हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए एपिसोड पे स्वागत है। दोस्त, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे फोल्डर के अंदर इमेजेस को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेरा प्रोजेक्ट का नाम PHP है। इसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम फोटोज। ठीक है, सारे इमेजेस इस फोटोज फोल्डर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि अगर यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड को मैं डिलीट करूँगा तो रिकॉर्ड तो डिलीट हो रहा है, डाटाबेस से भी रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, लेकिन फोल्डर के अंदर जो इमेज सेव है, इमेज डिलीट नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जिस रिकॉर्ड को मैं डिलीट करूँगा वही तो रिकॉर्ड डिलीट होगा, उसके साथ फोल्डर से उसी रिकॉर्ड का इमेज को भी डिलीट करना है। मतलब रिकॉर्ड तो डिलीट करेंगे, उसके साथ फोल्डर से इमेज को भी डिलीट करेंगे। ठीक है, अगर अभी हम कोई रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है लेकिन फोल्डर से इमेज डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने आईडी पास किया था डिलीट के लिए। देखिए, इसमें $id=$get(#id) delete.php पेज पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना है क्योंकि वेरिएबल के अंदर डाटा को मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, $delete11 एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, आप आपके हिसाब से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इक्वल MySQLi_query ब्रैकेट $curl कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए student_registration मेरा टेबल है। ठीक है, इस टेबल से सिलेक्ट करना है student_registration हुयर आईडी इक्वल इस वेरिएबल को $id। ठीक है, आईडी वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, देन और एक वेरिएबल में यहाँ पे क्रिएट करूँगा $row इक्वल MySQLi_fetch_assert। इसके अंदर $delete11 इसको रखेंगे, $delete11 देन यहाँ पे प्रिंट आर करके चेक करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इको प्री अपन इसको भी क्लोज करना है /close, इसके अंदर print_r किसको प्रिंट आर करना है $row। ठीक है, इसको क्योंकि इसमें हम डाटा फेच करके स्टोर किया। ठीक है, देन यहाँ पे डाई करना है क्योंकि मुझे इस तक कोड को रन करना है, आगे नहीं जाना। ठीक है, परफेक्ट, सेव, रिप्लेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे जिस रिकॉर्ड को मैंने सिलेक्ट किया उसी रिकॉर्ड का डिटेल्स शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेज कॉलम का नेम, ठीक है, कॉलम का नेम इमेज है। अभी इसको कमेंट करेंगे, यहाँ पे ऑनलिंक फंक्शन अप्लाई करके हम डिलीट करेंगे। ठीक है, PHP का इनबिल्ट फंक्शन है ऑनलिंक ब्रैकेट, इसके अंदर फोल्डर का नेम, जिस फोल्डर से इमेज को डिलीट करेंगे फोल्डर का पाथ यहाँ पे डालना है। ठीक है, फोल्डर का पाथ क्या है, देखिए मेरा जो फोल्डर है, फोल्डर का पाथ फोटोज है, उसके अंदर है सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा देन फोल्डर का पाथ। ठीक है, कॉन्कैट, यहाँ पे
डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोटेशन कॉलम का नेम क्या है, इमेज। यहाँ पे मेरा जो कॉलम का नेम है इमेज, इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम सेव रिप्रेस। देखिए यहाँ पे, देखिए इसको मैं डिलीट किया, देखिए फोल्डर के अंदर गायब हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे सारे रिकॉर्ड को मैं डिलीट करूँगा तो देखिए सारे इमेज डिलीट हो गया, ठीक है। अभी हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे, ठीक है। मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया यहाँ पे, अगर आप इस चैनल पे नया है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पे डिलीट करूँगा, देखिए रिकॉर्ड तो डिलीट हो रहा है, इसके साथ फोल्डर से भी इमेज डिलीट हो रहा है, ठीक है। आप इस प्रकार फोल्डर से इमेज को डिलीट कर सकते हैं अनलिंक फंक्शन को यूज करके। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे।